तीसरे विश्व युद्ध पर नास्त्रदमस की भविष्यवाणी। पाकिस्तान से मिलकर चीन करेगा भारत पर हमला। गंगा के मुहाने पर होगा सबसे खतरनाक युद्ध। आस्तिकों और नास्तिकों के बीच होगी जंग। यह भविष्यवाणी तीसरे विश्व युद्ध की है। इसमें चीन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और फ्रांस के अलावा अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत चीन करेगा। अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर यह भविष्यवाणी काफी पॉपुलर हो रखी है। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जानकारी किसी अनजान एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बल्कि यह दुनिया के सबसे मशहूर और महान माने जाने वाले भविष्यवक्ता नास्त्रदमस ने ही है। दावा यह भी है कि नास्त्रदमस ने द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर प्रिंसेस डायना की मौत के साथ न्यूयॉर्क हमले की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। नास्त्रदमस को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आइए उससे पहले जानते कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर उन्होंने क्या कहा। दावा यह है कि चीन करेगा भारत पर हमला, फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत की सीमा पर धावा बोलेंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान से सेना गंगा के मुहाने तक पहुंच जाएगी। खाड़ी के इलाके में होगी सबसे बड़ी जंग। पूरा भारत बन जाएगा युद्ध का मैदान। नास्त्रदमस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी लड़ाई गंगा के किनारे लड़ी जाएगी। मुताबिक गंगा नदी के किनारे होगी आखिरी जंग। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी। नास्त्रदमस का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध नास्तिकों और आस्तिकों के बीच होगा। दावा यह किया जा रहा है कि नास्तिकों की सेना का लीडर चीन होगा, क्योंकि चीन न किसी भगवान को मानता है और न ही किसी धर्म को। तो अब सवाल यह है, क्या चीन करेगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन करेगा भारत पर हमला? कि गंगा के मुहाने पर होगी सबसे भयानक और खौफनाक जंग? क्या है तीसरे विश्व युद्ध पर नास्त्रदमस की भविष्यवाणी का सच? नास्त्रदमस दुनिया के सबसे जाने माने भविष्य देवता हैं। आज से लगभग 450 साल पहले नास्त्रदमस फ्रांस में पैदा हुए। उन्होंने कई भविष्यवाणियां की जिसके बारे में माना जाता है कि उनमें से कई सच साबित हुई हैं। तीसरा विश्व युद्ध दक्षिण पश्चिम एशिया में देशों की संयुक्त सेना अभियान शुरू करेगी। गंगा नदी के मुहाने पर और खाड़ी के आसपास संघर्ष होगा, मतलब बंगाल विश्व युद्ध का मैदान बनकर रह जाएगा। सवाल यह है कि क्या नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में चीन का नाम लिया है या फिर यह किसी का अनुमान है? हम आपको इन भविष्यवाणी की हकीकत भी बताएंगे। एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेजों को लेकर एक व्यक्ति इटली के पथ पर पहुंचेगा और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यह व्यक्ति कौन है, उसके पास कैसे हथियार हैं, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन 450 साल पहले पनडुब्बी के बारे में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि तब तक पनडुब्बी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि किसी ने हाल फिलहाल में पनडुब्बी की स्टोरी दे दी है। सवाल यह कि नास्त्रदमस ने हिंदुस्तान कहां से आया, उसके पीछे भी कहानी है। नास्त्रदमस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध के दौरान एक सेनापति मैदान छोड़कर भागते हुए दुश्मन सेना का पीछा करेगा। वो दुश्मन के सारे देह को भेदता हुआ उन्हें रोकने में कामयाब होगा। वो पैदल भागेंगे लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। उसे गंगेज की सीमा पर रोक लिया जाएगा। अंतिम जंग गंगेज के किनारे होगी। लोगों ने गंगेज को गंगा नदी मान लिया और तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बता दिया, जबकि हकीकत यह है कि गंगेज नाम से साउथ फ्रांस में कस्बा है। नास्त्रदमस के जमाने में है बिजनेस सेंटर हुआ करता था। यहाँ एक किले का खंडहर आज भी मौजूद है। इस भविष्यवाणी में नास्त्रदमस ने लिखा कि गंगेज जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाला साम्राज्य खत्म हो जाएगा और समुद्र में खून और लाशें तैरती दिखेंगी। मतलब साफ है, गंगा नदी नहीं बल्कि किसी शहर या साम्राज्य का नाम है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी उनकी लिखित किताब में है, लेकिन इसमें न तो जगह का जिक्र किया गया है और न वक्त का ही कहीं पर बात बताई गई है। नास्त्रदमस की अगर भविष्यवाणी की बात की जाए तो यह साधारण तौर पर लिखी गई महज एक अनुमान है, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी
किसी सबूत और तथ्य पर आधारित नहीं है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की अगर बात की जाए तो यह बेहद ही लोकप्रिय है। लोग नास्त्रेदमस के लेखों और भविष्यवाणी को लेकर अपने हिसाब से अनुवाद करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं और फिर किसी घटना से जोड़ देते हैं और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी बताकर सुर्खियां बटोरते हैं। हद तो यह है कि कुछ लोगों का दावा है कि नास्त्रेदमस ने 400 साल पहले इंडिया के 2014 के चुनावों के नतीजों की भी भविष्यवाणी कर दी थी। यह बात तो साफ है कि नास्त्रेदमस ने कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की। उनके लेखों को एनालाइज करने वालों की कल्पना की थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में होने वाली घटनाओं के बारे में नास्त्रेदमस ने एक और चौंका देने वाली भविष्यवाणी की है। दावे के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध के दौरान ही एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा जिसे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। नास्त्रेदमस की कई भविष्यवाणियां हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि यह कितनी सच्ची है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पर कई लोगों ने रिसर्च भी किया है। देखिए, नास्त्रेदमस के बारे में जो भी बुक्स प्रकाशित हुई हैं उसमें यह भी लिखा है कि 2000 में यह दुनिया नष्ट हो जाएगी। आज 2020 चल रहा है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि भविष्य वक्ता लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। यह सब बकवास है, इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। नास्त्रेदमस के नाम पर कई लोग अफवाह फैलाते हैं। भारत चीन बॉर्डर पर तनाव है, हमारी सेना बॉर्डर पर जमीन बचाने के लिए चीनी सेना का डटकर मुकाबला कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह उड़ाना उचित नहीं, यह भविष्यवाणियां झूठी हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी भविष्यवाणी की सच्चाई सभी के सामने लाएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।